जय माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भक्त ज्ञानी यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ रात को सोने से पहले ये एक काम सोने से पहले जरूर कर लेना नवरात्रि में हमेशा माता काली का पहरा होगा आपके घर में जी हाँ दोस्तों आज जो मैं आप सभी भक्तों को इस वीडियो के माध्यम से कार्य बताने जा रही हूँ जो आप सभी भक्तों को सोने से पहले इस कार्य को करना है अपने सिरियाने कुछ ऐसी चीज है जो आपको रखनी है और कुछ ऐसी चीज है जो आपको अपने घर की मेन चौकट पर रखनी है यानी कि आपको सभी भक्तों को पता नवरात्रों के पावन दिन चल रहे हैं और नवरात्रा आज छठवा नवरात्रा है मेरी तरफ़ से आप सभी भक्तों को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं माँ भगवती माँ काली आप सभी का कल्याण करें खुश रहें आप और खुश रहें आपका परिवार तो मैं आप सभी को ये बताऊंगी इस वीडियो में आप लोगों को किस तरीके से ये कार्य करना है और नवरात्रे में ही आप लोगों को अपने घर में माँ काली का माँ दुर्गा का अन्य देवियों का वास कराना है उनका पहरा कराना है तो आपको अपने साथ साथ अपने घर की चौकट पर ये कार्य भी करना होगा जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भाई जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी तो जितने भी माता काली के भक्त हैं या अन्य देवियों के भक्त हैं उन सभी भक्तों के लिए ये बहुत ही खास जानकारी है ठीक है तो जैसे कि आपको पता है नवरात्र तो चल ही रहे हैं तो इन्हीं चलते दौरान नवरात्रों के आपको ये कार्य करना है जो मैं बता रही हूँ उसे आप ध्यान से सुने वीडियो को एंड तक देखना तभी आपकी समझ में आएगा वरना आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला तो आपको करना क्या है आप सभी भक्तों को जितने भी लोग जिन्होंने अपने घर में नवरात्रि की चौकी लगा रखी है माँ भगवती के फास्ट रख रहे हैं उन सबको ये जरूर कार्य करना है तो आपको करना क्या है सोने से पहले एक पान लेना है ठीक है एक नींबू लेना है एक जायफल लेना है और तीन बतासे लेने हैं छः लौंग लेनी है ये चीज़ आपको लेनी है जो आपको अपने घर के मंदिर में रखनी है ठीक है और हो सके तो आप एक मीटर या दो मीटर काला धागा अपने साथ में जरूर ले लेना जब आप ये सामान लेने जाएंगे दुकान पे तो काला धागा भी अपने साथ लेकर आना तो आपको ये चीज़ें अपने घर के मंदिर में रखनी है काले धागे के साथ ठीक है जैसे आप मान लो आज ये उपाय करेंगे रात को सोने से पहले तो आप लोगों को सोने से पहले जब आप ये उपाय करेंगे तो आपको सुबह के टाइम फिर अपने घर की चौखट पर तुरंत ये चीज़ें बांध देनी है जो मैं आपको बताऊंगी तो आपने लौंग ले ली बतास ले ली सब कुछ ले लिया बस आपको करना क्या है जो सारा सामान है आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है वहाँ से आपको दो लौंग लेनी है अपने सिरियाने रखना है ठीक है उस दो लौंग को मंदिर में से उठा के अपने सिरियाने रखना है जहाँ पर आप सोते हैं सर रख के ठीक है अपने सिरियाने रखने के बाद आपको माँ काली के साक्षात दर्शन होएंगे और माँ काली आपको सपने के माध्यम में आपके घर में पहरा देती हुई दिखेगी अपने ही रूप में जब आप ये कार्य करेंगे तो जैसे ही माँ आपको सब कुछ दिख जाएगी तो सुबह के टाइम आपको उठना है सुबह के टाइम उठ कर आपको जो आपने काला धागा साथ में रखा है उस काले धागे को आपको अपने घर की मेन चौकट पर बांध देना है ठीक है जहाँ से सब लोग आते हैं जाते हैं ऐसे मत करना देखो जैसे आपके घर में तीन कमरे हैं या छः कमरे कितने भी कमरे हैं आपके घर में लेकिन करना आपको ये कार्य मेन चौकट पर ही है जहाँ से लोग आपके घर में आते हैं और जहाँ से आप लोग बाहर जाते हो मेन चौकट पर आपको ये कार्य करना है और सुबह जैसे ही आप ये कार्य करेंगे तो सुबह पहले माँ भगवती माँ काली का नाम लेके अपने घर की मेन चौकट पर दिया जलाएंगे सरसों के तेल का दिया जला के आप जो काला धागा है वो आपको अपने घर की चौकट पर बांध देना है ठीक है इस तरीके से आपको ये कार्य करना है अगर आप ये कार्य नवरात्रे में ही करेंगे तो माँ काली आपको एक दिन में ही सपने के माध्यम में दिख जाएगी आपके घर में पहरा देती हुई जैसे कि आपको किसी भी रूप में दिख सकती है माँ काली अपने ही बिल्कुल जो रूप है माता का उस रूप में भी दिख सकती है कन्या रूप में भी दिख सकती है औरत के रूप में भी दिख सकती है बूढ़ी औरत के रूप में भी दिख सकती है मूर्ति के रूप में भी दिख सकती है आपको किसी भी रूप में अगर माता काली दिखाई देगी तो वो आपको आपके घर में पहरा देती हुई दिखाई देगी जैसे मान लो मैं आपको बताऊँ आपके कितने दुश्मन हैं जो आपके घर में मतलब नेगेटिव चीज़ें कराते रहते हैं तांत्रिकों से भक्तों से आपका बुरा कराने के लिए तो अब आपको उन सब चीज़ों से भी कोई मतलब उनकी टेंशन नहीं लेनी है कुछ नहीं करना है। उन सब चीज़ों से भी आपका हमेशा के लिए छुटकारा हो जाएगा अगर मान लो आपका शत्रु आपके घर में या आपके ऊपर या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर के ऊपर ये सब चीज़ें छुड़वाता है तो आपका हमेशा के लिए इन चीज़ों से बचाव हो जाएगा जब माता काली आपके घर में अपना पहरा रखेगी समझ गए आप तो इस तरीके से माता काली का पहरा लिया जाता है अपने घर में जिस तरीके से मैंने आपको बताया है तो चलिए दोस्तों मैंने आप सभी भक्तों को पूरी जानकारी के साथ बता दिया है अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय माता काली हर हर महादेव माता काली बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी करें जय माँ काली